We were discussing about the internal structure of the earth. We have discussed about the internal structure according to Suez. We have also discussed about the internal structure given by Delhi. Okay, now we were discussing about International Union of Geodesy and Geophysics. ठीक है, जो ये इंटरनेशनल यूनियन है जियोडेसी और जो जियोफिजिक्स यानी कि इंटरनल जो फिजिकल स्ट्रक्चर है अर्थ का उसके बारे में जो डेटास प्रेजेंट करता है, उसने भी क्या किया अपने अकॉर्डिंग, उसने क्या किया है, दे हैव गिवन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ओके, सो लेट अस डिस्कस दैट ऑल्सो. This you are knowing, this is crust and ocean is there. Yeah, this is crust and this is ocean. We have discussed about the layers of the earth: crust, mantle and core. These three layers, it has been divided, the interior of the earth, it has been divided into these three layers: crust, mantle, core. Okay, then we will call it upper crust, then we have lower crust. Yes, then we have upper mantle. Lower mantle. Outer core and inner core. मैंने आपको ये भी बताया था that this is the earth. It has been there has been many layers. Yes, and when the waves obtained due to the earthquake, they moves within these layers. Yes, but they get diverted. लेकिन ये क्या हो जाती है, they get diverted by because of this discontinuity. Yes, because of this discontinuity, we will be discussing about these discontinuities also. But first let me tell about this. We were discussing about the three factors, that is density, temperature and pressure. Okay, so as we are going inside the earth, how the what is density and what is pressure over there? This is crust, upper crust, then lower crust. Mantle is again divided into two: upper mantle, lower mantle. Then core is divided into two: outer core and inner core. Clear? Then let me write here density. Yes. देयर इज इंक्रीज इन द डेंसिटी. जैसे जैसे हम अंदर लेते जाएंगे तो क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन द डेंसिटी. इन द अपर क्रस्ट इट इज 2.9, देन हियर 2.9 वेयर द माउंटेनियस रीजन इज देयर, देन वी हैव प्लेन रीजन ऑल्सो, सो देयर इट इज
3.3. Clear? Then we have 4.3, 5.5, 10. Or you can just say 10. Then we have 12.3, 13.3 and 13.6. So what we can see, as we are moving towards the center of the earth, the density is increasing. जैसे जैसे हम अर्थ की लेयर्स के अर्थ के अंदर जाते जा रहे हैं, क्या होता जा रहा है, अर्थ की जो डेंसिटी है उस वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. क्लियर? दिस इज अबाउट द डेंसिटी. ओके, नाउ लेट मी टेल, सी दिस हाइट, दिस हाइट वेयर द माउंटेनियस रीजन इज देयर, इट इज अबाउट 30 किलोमीटर. कितना है ये? 30 किलोमीटर तक यहां पर है. क्लियर? और जहां पे ओशन है वहां पर क्रस्ट कितनी है? 5 किलोमीटर तक है. दिस आई एम टेलिंग अबाउट द क्रस्ट. जो क्रस्ट है अपर, जो माउंटेनियस रीजन में है या हिली एरियाज में या जिधर क्रस्ट का लेवल ऊपर है, क्लियर, वहां पर क्रस्ट कितनी है? 30 किलोमीटर तक है. ठीक है? और ओशियंस, ओशियंस के नीचे हमारी जो क्रस्ट है वो कितनी मोटी है, कितनी चौड़ाई है, कितनी कितनी दूरी तक है? 5 किलोमीटर. क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो क्रस्ट है पूरी, ये 100 to 200 किलोमीटर तक है. कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो ये अप्रोक्स कितना है? 200 किलोमीटर. मेंटल तक की अगर अपन बात करेंगे तो मेंटल है आपका 700 किलोमीटर. ये 5 किलोमीटर तक है इसकी ये जो दूरी है, ये 5 है, ये 30 है, ये 200 तक है, फिर यहां तक आप आ रहे हैं तो कितना है? 700 तक है. इसको आप पूरा ऐसे 700, फिर आप इधर तक आएंगे तो ये टोटल, आई एम टेलिंग अबाउट द टोटल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है, फिर आप नीचे आएंगे तो और कितना हो जाएगा? 5150 किलोमीटर. और जब आप बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो इट इज 6371 किलोमीटर. 6371 किलोमीटर. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट द, मैंने आपको ऐसे बताया था ना, ये अर्थ है, ये जो पॉइंट है आपका, यानी कि रेडियस, ये जो आपका रेडियस है ये 6371, और मैंने क्या लिया है? इस पार्ट को लिया है. ठीक है, इस पार्ट को उठा के मैंने यहां ले लिया है, तो ये मैं कहां क्या बता रही हूँ, इसकी पूरी रेडियस, यानी कि सेंटर तक ये कितना है, तो सेंटर तक इसकी कितनी किलोमीटर तक? 6371 किलोमीटर. क्लियर? डेंसिटी अपर क्रस्ट पर 2.9, वैसे अगर आप बिल्कुल ऊपर की बात करेंगे तो 2.2 भी होती है. ठीक है, थोड़ा और नीचे आए तो 2.2, और नीचे आएंगे तो 3.3, लोअर क्रस्ट तक 4.3, अपर मेंटल 5.5, लोअर मेंटल तक 10, आउटर कोर 12.3. ठीक है, आउटर कोर को क्रॉस करके जब आउटर कोर क्रॉस कर लेंगे 13.3 एंड 13.6, ये इसकी क्या है? डेंसिटी है. ओके, देखो जो माउंटेनियस रीजन है या हिली एरियाज है, माउंटेन्स और हिल्स, इनके नीचे जो क्रस्ट है वो किसकी बनी है? ग्रेनाइट. ठीक है, हिमालयास की बात करें तो हिमालयास किसके बने हुए हैं? ग्रेनाइट. क्लियर? अगर मैं ओशियंस की बात करूं, ओशन के नीचे जो 5 किलोमीटर की जो क्रस्ट है ये बेसाल्ट की है.
बेसाल्ट रॉक्स, कौन सी रॉक्स है? बेसाल्ट रॉक्स, और ये है आपकी ग्रेनाइट। क्लियर? टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर आप देखेंगे मेंटल पे, जो मेंटल पे जो टेम्परेचर है किसकी बात करेंगे हम, एक तो मेंटल की और एक कोर की। तो जो मेंटल का जो टेम्परेचर है वो 800 डिग्री टू 3000, क्लियर? और ये कोर में कितना है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर? सो टेम्परेचर, और ऊपर कितना हो गया 800 तक का, नीचे नीचे जैसे आप जा रहे हैं 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, एवरीथिंग इंक्रीजेस व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ, क्लियर? तो ये आपकी जो अर्थ है वो इन लेयर्स में है, ये इसकी डेंसिटी है, इतने किलोमीटर तक आपको ये इस टाइप की। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है इतना, इट इज अप्रोक्स। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें मेंटल की, मेंटल इज इन ए प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट, तो क्या होगा, देयर कैन बी किसी एरिया में देयर कैन बी किलोमीटर मोर और देयर कैन बी किलोमीटर इन लेस, ठीक है? तो इट इज अप्रोक्स, इतना माना गया है कि इतने किलोमीटर तक ये है। कहीं पर आपको क्रस्ट जो है वो आपको 100 किलोमीटर की ही मिलेगी। इट इज द एवरेज और मैक्सिमम दे हैव टेकन कि हाँ इन एरियाज तक ये है, क्लियर? सो इट इज द किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू कोर। अगेन लेट मी एक्सप्लेन इट, दिस इज द डिवीजन, दिस इज द जियोफिजिक डिवीजन, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। वी हैव क्रस्ट फ्रॉम द टॉप एंड ओशियन इज देयर, दिस इज अपर क्रस्ट, क्रस्ट इज ऑल्सो डिवाइड, वी हैव थ्री लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर, they are also divided into two layers, upper crust, lower crust, upper mantle, lower mantle, outer core and inner core. Here density from 2.2 at every layer it is increasing, 2.9 3.3 4.3 5.5 10 12.3 13.3 13.6 at the center, so density is also increasing. We have temperature at 5000 degree centigrade at the center of the earth. Clear? Now let me talk about the discontinuity. Now what I am saying, upper crust, lower crust, upper mantle, lower mantle, yes, outer core, inner core, clear? ये differentiation कैसे हुआ, कैसे पता लगा हमें? ये differentiation हमें पता लगता है जब earthquake आता है, ठीक है? आपको पता है जिस
पॉइंट पे अर्थक्वेक आएगा उसको हम फोकस कहते हैं, क्लियर? और राइट, ये तो अर्थ के अंदर है, बिल्कुल इसके ठीक ऊपर सबसे पहले यहाँ पे ये लेयर्स वेव्स पहुंचती है और इसको बोलते हैं हम एपिसेंटर, क्लियर? ये जो वेव्स चली, ये इस पॉइंट से यहां तक ये जो वेव्स का मूवमेंट हुआ है, इन मूवमेंट्स में क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी। ये मूवमेंट्स क्या होती हैं? अपने पाथ को छोड़ के थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं। दे गेट स्लैंटिंग, दे गेट स्लैंटेड व्हेन दे मूव फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, ओके? इसलिए उनको ये लेयर्स के बारे में पता लगा। सो अर्थक्वेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट टेल्स अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। Now, see, दो डिफरेंशिएशन है, एक तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कॉनोरोड, कॉनोरोड डिसकंटिन्यूटी किस किस के बीच में है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, ठीक है? फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है रैपिडिटी, रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? मैं पहले सिर्फ आपको इन लेयर्स के बारे में बता रही हूँ, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनोरोड, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिडिटी, ठीक है? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, इनके बीच में है लेहमेन, लेहमेन डिसकंटिन्यूटी, क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल और ये हो गया आपका कोर, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहरोविक, कौन सी हो गई? मोहरोविक, ठीक है? और मेंटल और कोर के बीच में ये है ग्यूटेनबर्ग, यू विल बी just noticing that what are these names, nothing, they are the name of the geographers, those who have invented these layers, तो उन्होंने अपने ही नाम पर इन layers का नाम किया है, ठीक है? तो आप इसको learn करेंगे, इसी तरह से learn करेंगे, Conorod, Rapiti, Lehman, Conorod, Rapiti, Lehman, okay, then Mohorovic and Gutenberg, ये इन दोनों के बीच का है, इन दोनों के बीच में है, और ये है क्या? These are the discontinuity. I will be sending you the diagrams of these. You will be drawing the same diagram in your notebook. Clear? तो ये आपकी क्या है? Mohorovic और Gutenberg discontinuity. Clear? एक में अपन बात करते हैं waves के बारे में और बात कर लेते हैं. When you have to make the notes, you just pause the video and then make the notes. Now see, this is earth, okay, crust, mantle and core. Clear? Suppose अब जो waves चलेंगी, वो कैसे चलेंगी? देखो जो वेव्स होती हैं आफ्टर अर्थक्वेक, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स, ठीक है? पी क्यों बोला है? इट इज प्राइमरी वेव्स एंड दे फर्स्ट रीचेज ऑन द अर्थ सरफेस, इन्हें प्राइमरी कहा जाता है, प्राइमरी का मतलब पहले, ये वेव्स अर्थ पे सबसे पहले पहुंचती हैं, क्लियर? उसके पास एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, दे रीच आफ्टर पी वेव्स, सबसे पहले कौन सी पहुंचेंगी? पी वेव्स, ठीक है? सपोज करो इधर से चली, यहां पे सेंटर पे पहुंचेगी सबसे पहले, ये कौन सी हो जाएगी? पी वेव्स। इसके बाद जो आएगी दूसरी, वो कौन सी होगी? एस वेव्स।
क्लियर? पी बाद में जो आएंगी, एस सेकेंडरी वेव्स पी वेव्स के बाद में आएंगी, और जो एल वेव्स होती हैं वो यही सरफेस पे चलती हैं, ठीक है? इन्हें बोला जाता है लॉन्ग वेव्स, क्लियर? ये कैसे ये एक दूसरे को पुश करती हैं, दे पुश ईच अदर, पी वेव्स पुशेस ईच अदर एंड दे जस्ट मूव, ओके? ये पी वेव्स हैं, और इसके बाद ये एस वेव्स हैं, ठीक है? एस वेव्स क्या करेंगी, ये तो एक दूसरे को इस तरह से धक्का मारती हैं, ये इस तरह से चलती हैं, और एल वेव्स ऐसे चलती हैं, ये सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती हैं, ये उसके बाद पहुंचती हैं, और ये सबसे लास्ट में। लेकिन जो ये सबसे लास्ट में जो आती है ना, ये अर्थ सरफेस पे इस तरह से मूव करती हैं ज़िगज़ैग, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यही करती है, सबसे ज्यादा विनाश यही करती है। कौन सी वेव्स? एल वेव्स, क्लियर? तो पी वेव्स सबसे पहले पहुंचेगी, उसके बाद एस वेव्स, एल वेव्स, ये इस तरह से पहुंचेंगी, ओके? अब आप इधर ये देखिए, जो पी वेव्स हैं, पी वेव्स क्या करेंगी, पी वेव्स ये आपको पता है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड या प्लास्टिक स्टेज में है, ये भी आपका सॉलिड है, क्लियर? बीच में ये लिक्विड है। पी वेव्स सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेजेस में जाती हैं। पी वेव्स सब तरह के मीडियम में जाएंगी, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसियस मीडियम, पी वेव्स सब में जाती हैं। एस वेव्स सिर्फ किस में, लिक्विड में नहीं जाएंगी, एस वेव्स लिक्विड में नहीं जाती, सॉलिड में जाती है, किस में? एस फॉर सॉलिड, ऐसे याद रह जाएगा, एस फॉर सॉलिड सिर्फ किस में चलेंगी, सॉलिड में, और एल वेव्स सरफेस पे जाती हैं, क्लियर? अब अगर इधर से हम बात कर रहे हैं, ये अर्थ के अंदर का है, ठीक है? ये यहां से ये इस तरह से चल रही है, आई विल बी सेंडिंग दीज डायग्राम्स, ठीक है? देखो ये जो वेव्स लिक्विड में नहीं आई, इधर निकल गई, ठीक है? वो कौन सी हो जाएंगी जो लिक्विड में नहीं आ रही है? एस वेव्स, ठीक है? अब जब वो इस पूरे लिक्विड में नहीं आई है, तो वो इस वाले एरिया में भी नहीं आएंगी, क्योंकि इसको ये एरिया क्रॉस करना पड़ता, तो यहां भी नहीं आएगी। कौन सी वेव्स? एस वेव्स। लेकिन पी वेव्स सब में चलती है, ठीक है? तो वो यहाँ आई, लेकिन मैंने आपको बताया जैसी लेयर्स डिफरेंट होती हैं, मीडियम दूसरा होता है, स्लांटिंग हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी होने के बाद वापस सॉलिड में आ गई, और फिर वापस लिक्विड में चेंज, इस तरह से। तो इस एरिया में पी वेव्स नहीं आई, तो इसे बोलेंगे पी वेव्स शेडो एरिया, ये भी और ये भी। लेकिन यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपका एश वेव्स शेडो एरिया हो गया, क्लियर? तो ये पी वेव्स हैं जो सीधी निकल जाएंगी तीनों मीडियम में क्रॉस करके, और जो एस वेव्स हैं वो इधर ही रह जाएंगी। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप पी वेव्स और एस वेव्स को अलग अलग कलर से दिखाएंगे, क्लियर? ये मैं आप